हमारा नाम है, मेरा ये कह रहे हैं कि जेई साहब की ये पानी हमने बंद करा दिया, ये 2 महीने से मरे हुए हैं, 2 महीने से अपने अपने पानी पी रहे हैं। आज हमें मालूम चला है कि ये पानी में बदबू और कीड़े गंदगी आ रही है, अपने देखना है, हम देखने के लिए इसमें क्या है। ये दवाई दवाई पहले भी डालते थे पर ऐसी स्मेल नहीं आती थी, आज हमने खुद देखने के लिए आए, हमने देखा बांदर बिल्लियाँ चूहे तक बीच में मरे हुए हैं। ठीक है, जेई साहब कहते हैं हमने पानी बंद करा दिया। मैं गगन कुमार पंच वार्ड नंबर 7 राजीव नगर नरवाल पंचायत से। आज सुबह ही कॉल आई है कि लोगों की पानी खोला, उन्होंने सुबह तो पानी कॉल आई कि लोगों ने कहा कि इधर कीड़े आ रहे हैं, गंदा पानी है। तो हमने कहा पहले शोर शराबा नहीं करना, पहले हम आए, हमारी एक्सपेंच है हरविंदर कौर जी, परसराम जी, हमारे डॉक्टर बीजेपी के शावला साहब, हमारे हमने सारे आके पहले मुआयना किया, बीच में देखा कि बंदर पड़े हुए हैं। तो पहले इनको डिपार्टमेंट को मैंने फ़ोन किया सुबह जेई साहब को, वो कह रहे हैं कि हमने पानी पीछे से गंदा आ रहा, फ्लड बारिश का मौसम है तो पानी गंदा आ रहा, हम वो ज़्यादा डालते हैं कि दवाई ज़्यादा डालते हैं हम। तो मैं क्या ऐसे दवाई ज़्यादा डालते कीड़े खोड़ी हो जाते हैं उसमें, लूड़े खोड़ी आते हैं क्या? तो फिर आप मैंने फिर लड़के भेजे, हमने पौड़ी छोड़ी लगाई, देखा कि पहले कन्फर्म किया पूरा कि देखो ये नलायकी है गवर्नमेंट की। ठीक है, एलजी प्रशासन ऐसा आया बाहर से, जबकि एलजी प्रशासन आया है किसी डिपार्टमेंट में सुनवाई नहीं है। ये नहीं कि पीएचई वाला सोया है, सारे डिपार्टमेंट बैठे, पीडीडी वाले सोए हैं, पीएचई वाले सोए हैं, सारे बिना पैसे को काम नहीं होता। अपने बड़े इधर ब्यूरोक्रेसी चल रही है, ठीक है, अफसरशाही चल रही है, अफसरशाही आप एसी लगा के बैठे हैं, 2-2 लाख रुपये उनकी तनख्वाह, 2.5 लाख रुपया, ये गरीब जनता पिस रही है, 8 साल से गरीब जनता पिस रही है। ठीक है, पहले भी गवर्नमेंट होती थी, ठीक है, एलजी प्रशासन जब से आई है, आप खुद ही समझदार हो, मीडिया वाले आप हमारे से ज़्यादा समझदार, आप रोज़ कवर करते हो कि एलजी प्रशासन की जब से आई है कभी बिजली का टैक्स, कभी पानी का टैक्स, कभी प्रॉपर्टी टैक्स, कभी किसी का टैक्स। ठीक है, काम कब करना, जनता को फैसिलिटी पूरी होगी तो हम देंगे टैक्स, हम देने को हम टैक्स आगे भी देते हैं। जब गरीब जनता मत सोचे कि हम टैक्स नहीं देते, हम माचिस लेते हैं उस पर भी टैक्स देते हैं, हम बिस्किट खरीदते हैं उस पर भी टैक्स देते हैं, हर चीज़ पर टैक्स। आप दो हमें पूरी फैसिलिटी दो, इनसे एक दोस्त अपने का ढक्कन नहीं है इनके पास, ठीक है, कहते हैं लोहे का ढक्कन है, ले जाते हैं चोर लेते हैं। ठीक है, आप वेल्डिंग करा के रखो, आप सीमेंट का ढक्कन लगाइए, नहीं पैसे हम ये देते हैं, अपने से देते हैं, 1000-1500 लगता है, हमारी टीम है पूरी, तो ठीक है हमारी टीम, हम डालते हैं अपने से, हम ढक्कन लगा के दे। इनको यही बहाना हमारा, इधर ढक्कन ले जाता कोई वो जाता, आज बंदर मरे हैं, पता नहीं 2 दिन के मरे हैं 3 दिन के मरे हैं, ठीक है ना, ठीक है, इतनी बारी ये तो चलो बंदर मरे हैं, इधर आपको पता अभी इतना वो इलेक्शन का दौर है, कोई शरारत कर जाए, कोई पॉइजन फेंक दे, सारी सारी जनता 5000-10000 जनता मर जाए, कौन जिम्मेवार है? हैं, एलजी लेगा जिम्मेवारी अपने पे? हैं, ये कभी किसी पे लेते हैं, ये अपनी लेते ही नहीं है, वे पीएचई वाले वो छोटे डेली विजर हैं, ठीक है, उनको आते हैं, उनके पास खुद शूज नहीं है, वो चप्पल डाल के बरसात का मौसम है, उनको पूरी फैसिलिटी दो ना, 4 बजे आता है, उनके पास टार रचनी है, कभी कुछ नहीं। देखो जहाँ हम खड़े हैं कितनी गंदगी है, गंदगी कितनी है, आगे पीछे कितना खड़े होने का मन का, इधर से हम गंदा पानी पीते हैं, ठीक है, पानी पीते जाओ, अपने पर ये फैसिलिटी लेते ही नहीं है, कहते हैं हमारी जिम्मेवारी कोई नहीं है। अभी जी साहब है, जी साहब क्या डबले भी आएगा, एक्शन साहब भी जाएंगे, तो हम इधर से ही लेंगे ना, हम इधर से नहीं लेंगे। एलजी गवर्नमेंट, एलजी गवर्नमेंट, एलजी गवर्नमेंट, एलजी गवर्नमेंट। आपने खुद देखा कि यहाँ पर किस तरह इस हाउस में जो है बंदूक मरे पड़े हैं, क्या करें? मेरे को अभी इन्फॉर्मेशन मिली है, तो पहले तो नहीं था ऐसा, अभी इन्फॉर्मेशन मिली है, अभी मैंने देखा है, तो इसमें अभी हम क्लियर करा देंगे, अभी क्लियर करा के हम अभी साफ पूरा साफ करके तो इसकी सप्लाई लगा देंगे। जिस तरह से कहा जाता है कि ये 2 महीने जो है हिंदुओं के पावन महीने होते हैं, तो इनका ये कहना है कि आपने तो हमें इस बहाने मास्क ला दिया, क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसी पहले तो नहीं था ऐसा, कि आज ही पता चला है इसका, तो पहले नहीं था, हो सकता है रात के पड़े हों, तो पहले तो नहीं था ऐसा, तो अभी 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 इसको क्लियर करा देते हैं। पहले इन्फॉर्मेशन मेरे को अभी मिली है, जैसे इन्फॉर्मेशन मिली है इसको अभी हम क्लियर करा देंगे। ढक्कन अभी लगाया था हमने, पिछले दिनों ढक्कन लगाया था, इसमें इधर इधर कोई नहीं होता, लोग ढक्कन चोरी करके ले जाते हैं, ढक्कन भी लगाया था हमने, तो ये कहना है कि आपको जो है इत्तला दी गई थी कि पानी गंदा आ रहा है, आपके बारे ये कहा कि इस पर फटकड़ी की क्वांटिटी ज्यादा है, इस वजह पानी गंदा। नहीं, ऐसे तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली हमें, ऐसे अभी मिली है इन्फॉर्मेशन, अभी इन्फॉर्मेशन ही है, लोगों को कहना है अगर गंदा होगा उसको चेक कराएंगे हम, ऐसी बात नहीं है, उसको लेबॉरेटरी में टेस्ट कराएंगे, वाटर को
अगर गंदा होगा तो उसको हम ठीक करें। गंदा पानी पीने से किसी बच्चे को डायरिया हो जाता है? अभी हमने पानी बंद करवा दिया ना, अभी हम पानी नहीं लगा रहे, अभी हमने पानी बंद करवा दिया। उसका जिम्मेवार कौन रहेगा? अभी हमने पानी बंद करवा दिया, गंदा पानी हम प्रोवाइड ही नहीं करेंगे, हम प्रोवाइड नहीं करेंगे गंदा पानी। जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन लिया, पानी हमने सप्लाई बंद करवा दिया। सो कुमार नाम है मेरा, ये कह रहे हैं कि जेई साहब की ये पानी हमने बंद करा दिया, ये दो महीने से मरे हुए हैं, दो महीने से अपने अपने पानी पी रहे हैं। आज हमें मालूम चला है कि इस पानी में बदबू और कीड़े गंदगी आ रही है, हमने देखना है, हम देखने के लिए इसमें क्या है। ये दवाई पहले भी डालते थे पर ऐसी स्मेल नहीं आती थी, आज हमने खुद देखने के लिए आए, हमने देखा बांदर बिल्लियाँ चूहे तक बीच में मरे हुए हैं। ठीक है, जेई साहब कहते हैं हमने पानी बंद करा दिया, करना चाहेंगे हम कि मतलब ये साफ सफाई और उसके ऊपर ढक्कन लगाया जाए, ठीक है, पानी साफ मिलना चाहिए, बस हम ये परशुराम बलोरिया प्रेसिडेंट ऑफ राजीव नगर। जनाब ये हमारे साथ धोखा हो गया, मैं ये स्लम एरिया है, ये गरीब लोग रहते हैं जहाँ पर इनको अपने खाने पकाने से भी फुर्सत नहीं मिलती, क्योंकि गरीब लोग हैं ये। तो आज ये जो पता हमें चला, इससे पहले ये यहाँ अब हमारे जेई साहब ने जो बयान दिया वो भी गलत था कि आज ही हमने देखा है। मैं आपको बोलता हूँ कि 15 दिन से जहाँ बच्चे बीमार हो रहे हैं, 15 दिन से जहाँ हर घर में छोटे शिशु बच्चे औरतें सबको बुखार, टेम्परेचर, आँखें, ये वो सारी बीमारी जो है वो इस पानी की वजह से है। और ये पानी जो है ये हफ्ता 15 दिन से ये ख़राब हो गया है और इसका आज तक टेस्ट नहीं हुआ। हमें ये बताएं जे जेई साहब कि ये टैंक खुला कब से, जब इनके वर्करों को ये पता नहीं कि ये टैंक ऊपर से खुला है। यहाँ कोई कुछ भी कर सकता था, ये स्लम एरिया के लोग हैं और स्लम एरिया में रहना बहुत मुश्किल हो गया है, हम भी जहाँ रहते हैं बहुत मुश्किल हो गया है। तो इस पवित्र महीने में जो लोगों ने उपास रखे थे वो सारे निष्फल हो गए, क्योंकि ये 15 दिन से ऐसा कारोबार चल रहा है, 15 दिन से पानी को बदबू आ रही है और हर आदमी को पूछा जाए तो वो ये पानी वाला कहता है दवाई डाली है, पानी खोला था, हमने ये दवाई ज़्यादा कर दी। तो ये बहाने लगा के इनकी जान नहीं बच सकती। यहाँ पर कितने बच्चे बीमार हुए हैं ये भी सुध लेनी चाहिए गवर्नमेंट को। तो क्या मांग करना चाहिए? हमारी यही मांग है कि इसको साफ़ सुथरा किया जाए और ये इसका जो टैंक है ये ऊपर से बंद होना चाहिए। अगर ये लोहे का नहीं बना सकते, सीमेंट का बना के बंद कर दें तो तब हम बच सकते हैं। बाकी जहां बहानेबाजी जा इधर उधर अपना आपको बचाना, ये तो मैं गलत समझता हूं। मैं कहता हूं इन गरीब बच्चों को, इन गरीब लोगों को सहूलियत मिलनी चाहिए। और आज ही पानी 4-4 दिन के बाद पानी आता है, 3-3 दिन के बाद पानी आता है। जब 3 दिन के बाद पानी आता है तो हर घर में पानी पीने का लायक नहीं होता, तो फिर कहाँ जाएं? आज हम कहाँ जाएं? तो इसलिए हमें पानी भी प्रोवाइड होना चाहिए और ये गरीब लोग ताकि अपना काम कर सकें। और ये स्लम बस्ती है और स्लम लोगों का गवर्नमेंट को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये स्लम लोग हैं, ये किसी से कहीं भी कुछ नहीं कर सकते हैं, ये गरीब हैं। तो इसलिए मेरी यही रिक्वेस्ट है एलजी से भी, गवर्नमेंट से भी, के मन तन लगा के इसको आज ही और घंटे दो घंटे में पानी जो है सप्लाई बनाई जाए। जय मैं इन लोगों से यही पूछना चाहूँगा जो यहाँ चुने हुए लोग हैं, इन्होंने अपना इंटरव्यू दिया, इन्होंने कहा जी एलजी करेगा, मोदी करेगा, क्या ये लॉजिक है? क्या इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं, किसी की कोई जिम्मेवारी नहीं? मोदी आकर यहाँ साफ करेगा या कोई एलजी साफ करेगा? हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से भी दरख्वास्त है कि कम से कम संज्ञान लें, ये क्यों हुआ, ये दो जानवर क्यों मरे? ये आप जानते हो यहाँ पूरा इलाका 10,000 के आसपास पॉपुलेशन और ये सिटी के 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर है ये जगह, ये ऐसा क्यों हुआ? वाटर बॉर्न डिजीज आप जानते हो, लिवर सिरोसिस, जॉइंटिस, टाइफाइड फीवर लोगों को हर दिन आ रहे हैं यहाँ पर। लेकिन मेरी उन लोगों से भी एक अब दरख्वास्त है, कम से कम आपको किस लिए चुना गया? आपको पंच, सरपंच, डीडीसी, डीडीसी किस लिए बनाया गया? क्या मोदी आकर काम करेगा इधर या एलजी करेगा? मोदी ने गरीबों के लिए क्या नहीं किया?
12 करोड़ शौचालय, गैस कनेक्शन किसानों के खातों में सीधा पैसे, किसान विकास अपनी जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान, इनका काम है उसको लाना, इंप्लीमेंट करना गवर्नमेंट में, ना के एलिगेशन लाना किसी के ऊपर। अगर एक पंच कह रहे हैं कि मैंने इतने पैसे देकर काम करवाया, क्या ये लॉजिक है? आप मानते हो इस चीज़ को? अगर एक पंच ही रिश्वत देगा तो बाकी लोग क्या करेंगे फिर? उनका काम है संज्ञान लेना, भाई क्यों मांग रहे पैसे? जो हमारा चीफ इंजीनियर है, एक्सीएन है, उनके नोट्स में ये बात करनी चाहिए फलाना माजन पैसे ले रहा है। अगर ये खुद पैसे देंगे हम जनता क्या करेगी फिर? किसी को एलिगेशन लगाना आसान है, लेकिन कार्रवाई वो होनी चाहिए जो काम होना चाहिए। हम यहाँ भी राजनीति करने आए, ये काम कैसे होंगे? जब हम राजनीति करेंगे तो ये काम कभी नहीं हो सकता। हम लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे, ऐसा काम नहीं हो सकता। मेरी एलजी से, चीफ इंजीनियर से दरख्वास्त है कि जल्दी से जल्दी इसको साफ करें, इसका ढक्कन लगाएं, इसको सैनिटाइजेशन करें, ताकि लोग जो है आम गरीब जनता बीमारियों से बचे। धन्यवाद जी। मैं हरविंदर कौर, मैं इतना दुखी हूँ इस कंडीशन को देखकर, इस हालात को देखकर मुझे शर्म आने लगी है कि हम क्यों बने हैं लीडर शीडर। हमारे होते हुए हमारे जो पीने वाले पानी है वो इतना गंदा है, उसमें बंदर पड़े हुए हैं और कितने दिन से पड़े हैं, नो नॉलेज, पता नहीं है। और अब लोगों के घरों में स्किन पहुँची, बाल पहुँचे, उनके रेशों पहुँचे, कीड़े पहुँचे, तो फिर पता चला कि पानी गंदा है। पहले पानी आता है गंदा, तो हम बोलते हैं पानी की सप्लाई गंदी है, वो कहते हैं जी तभी का पानी है, इसमें फटकरी डालते हैं तो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से ये फिल्टर अच्छी तरह होता है या नहीं होता, वो बहानेबाजी चलती रही। अब हमने जब आकर इस टैंक में देखा, इतने कीड़े थे और बदबू, आप खुद देखो उधर जाकर खड़े हो सकते हो, नहीं खड़े हो सकते। तो वो पानी जो पॉइजन पानी हमारे घरों में जा रहा है, आपको पता है 2 महीने जो होते हैं ना जी, इतने हमारे हिंदू धर्म के लिए इतने पवित्र माने जाते हैं, इसमें हम लंगर लगाते हैं, शिव जी को पानी चढ़ाते हैं, व्रत रखते हैं, वो सारे हमारे व्यर्थ हो गए। हमारे व्रत, हम सोचते हैं कि हम तो रोज मीट खाते रहे, इस पानी में क्या जा रहा था? बंदरों का मांस है वो हम पी रहे थे, उसी से हम शुद्धिकरण कर रहे थे। कितनी नलायकी है इस डिपार्टमेंट की। डिपार्टमेंट सोया हुआ है पता नहीं, क्या उनको सैलरी नहीं मिलती, क्या बात है? वो क्यों नहीं देख रहे? अगर हमारी पिछली गवर्नमेंट ने इस टैंक को बनवाया, इनका क्या काम था इस टैंक को साफ सफाई करना? ये वो भी भूल गए, एलजी साहब जब से आए हैं उनको क्या पता गरीब कहाँ रहता है, पानी की सप्लाई कहाँ पे है, किस जगह पे गरीब रहता है, उनको नहीं नजर आता। मीडिया में बता देते हैं गरीबी खत्म हो गई, मैं कहती हूँ 80% लोग मर रहे हैं गरीबी से, उनको पानी साफ नहीं मिल रहा। आज खुद अपने आंखों से देखो और इसको आगे भेजो, आगे दिखाओ लोगों को कि कितना साफ पानी दे रहे हो आप। बिजली की सुविधा, बिजली की सुविधा कितनी है? आप कहते हैं प्रीपेड लगाएंगे, ठीक है, जनता गरीब जनता से आप पैसे खींचने का सोच रहे हो। गरीब जनता हमें कहाँ से, गरीब जनता से हम पैसे लें? गरीब जनता से हम कहाँ से पैसे लें? गरीब जनता पानी का बिल दे रही है, पे कर रही है, बिजली का बिल भी दे रही है, उसको मिल रहा है गंदा पानी। और लाइट, लाइट का कट, जब से आपका जो प्रीपेड चलने लगा ना डब्बे वाला सिस्टम, तो इतने कट हो चुके हैं कि रात को भी कट होता है। गरीब बाहर बैठे होते हैं पंखे लेके, आजकल तो दरख्त पहले होते थे ना दरख्त लोगों के घरों में, आजकल वो इतनी जगह भी नहीं है लोगों के पास, वो बेचारे 10 फुट में रहते हैं गरीब लोग, 10 फुट में उनकी किचन है, 10 फुट में उनकी सब कुछ है, फ्लैश भी उसी में है, घर भी उसी में है, और 10 फुट में रहते हैं। जो बड़े बड़े दावे करते हैं ना एलजी साहब बैठकर मीडिया में बड़े बड़े दावे करते हैं, हमारे जैसे लोगों से पूछो कि ये दावे आपके नकारे निकले, 8 साल बेकार हो चुके हैं। आओ मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ आपको अंदर की गलियाँ कि कहाँ पानी पहुँचा तो कहाँ नहीं पहुँचा। जो पहले मिला था वो भी गंदा हो गया, उसको साफ सफाई भी नहीं कर सके। बस इतना ही मैं कहती हूँ कि मेहरबानी करके जम्मू की दुनिया को साफ पानी तो पिला दीजिए, इतना ही कर दीजिए 8 साल में। कोई आप नया कोई फिल्टर लगा देते, नया कोई प्लांट्स लगा देते, 100 साल कोई पानी पीता, हम भी कहते हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने बहुत तरक्की की है, हम मानते हैं, लेकिन वो तरक्की कहाँ गई, हमें नज़र नहीं आई, वो कहाँ चली गई? हम सोचते कि हमें जम्मू वालों को नया प्रोजेक्ट मिले तवी का पानी, हम गंदा पानी तवी का, जो जितने भी नाले तवी में पड़ते हैं, नगरोटा से लेकर जितना पीछे से नाला पड़ता है इस तवी में पड़ता है, वो ही पानी पंपिंग हाउस से, पंपिंग से फिल्टर करके जो हमें सप्लाई दे रहे हैं। इन्होंने कौन सा प्लांट्स लगाया? कम से कम इस 8 साल में हमारे विधायक जितने भी चुने थे वो एल जी साहब को जगाते और एक नया प्लांट्स लगा देते, इस दुनिया के लिए वो साफ पानी पीने के काबिल होता। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। और जय साहब, जो जय साहब हमारे क्या सोए हुए हैं?
ये जो बच्चे हमारे आते हैं, ये भी माँ के बच्चे होते हैं, जैसे 4 बजे आते हैं इनकी, जब मोटर चलती है 4 बजे आते हैं इधर से नीचे, नीचे से ऊपर। आप यहाँ से नीचे से ऊपर आयो, कैसे आयो, कितनी दुविधा से आयो, रास्ता मिला आपको? हमारा टैंक बना था, इनको सीढ़ियाँ नहीं बनी। अपने पब्लिक के लिए, अपने ही वर्करों के लिए, डेली विजर वर्कर 2 है उनके लिए, इनको लॉन्ग शूज नहीं है इनके पास, लॉन्ग शूज, इनको लॉन्ग शूज नहीं दिए गए। लॉन्ग शूज दे देते कम से कम जो सांप कीड़े से बच के पानी खोलते आकर, मोटर को देखते कहाँ देखते। ये है हमारी फेलियर गवर्नमेंट। थैंक यू।